हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज फाइंड द साइड व्हेन एरिया इज गिवन। हमें क्या करना है, साइड निकालनी है जब हमें एरिया दिया गया है। इन दिस फिगर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल एंड वी हैव टू फाइंड इट्स अननोन साइड। हमें इसकी क्या दी गई है, लेंथ दी गई है एंड एरिया दिया गया है। एरिया इज इक्वल टू 105 मीटर स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड इट्स ब्रेथ, हमें इसकी ब्रेथ फाइंड करनी है। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें गिवन जो हमें चीजें दी गई है उसको नोट डाउन करते हैं। जैसे एरिया इज इक्वल टू 105 मीटर स्क्वायर एंड एल इज इक्वल टू 15 मीटर। नाउ फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equal to L into B. Now put the value of area 105 meter square is equal to L. L is equal to 15 multiply B. Now जब हमें जिस value के जिस B जैसे B के हमें यहाँ पे value find करनी है, तो उसके आसपास जो भी हमारी वैल्यू होती है उसको हम दूसरी साइड ले जाते हैं। यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई में है, जब हम इसको इज इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये किसमें होगा, डिवाइड में। ये भी 15 मीटर है, 105 मीटर स्क्वायर अपॉन 15 इज इक्वल टू बी। नाउ आप यहाँ पे नॉर्मली डिवाइड करेंगे 15 सेवन जा 105 एंड 1 मीटर से यहाँ पे मीटर, b इज इक्वल टू 7 मीटर। ये हमारा क्या आ गया, ब्रेथ। नाउ फॉर स्क्वायर, PQRS इज अ स्क्वायर एंड वी हैव टू फाइंड इट्स साइड। हम इसकी साइड निकाल लिए। यहाँ पर जो हमें दिया गया है वो एरिया दिया गया है 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले हम वो चीजें नोट डाउन करेंगे जो हमें दी गई है। यहाँ पर हमें दिया गया है एरिया, एरिया इज इक्वल टू 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइड स्क्वायर, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ एरिया, 324 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी 324 दिया गया है एरिया, 324 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जब हम इसको इसके पहले हम साइड चेंज कर लेते हैं, ऐसे लिख देंगे इसको। ये जो स्क्वायर दिया गया है इसको हम कैसे हटाते हैं, जब भी हम इसको हटाएंगे स्क्वायर वाली वैल्यू को, जब हम ए लिखेंगे सिंपल, तो इसको अंडर रूट में लिखेंगे। ये इसको भी हम स्क्वायर रूट भी कहते हैं और अंडर रूट भी कहते हैं। फिर हमें इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। थ्री सेवन जो 21, थ्री नाइन जो 27, थ्री जो 9 एंड थ्री जो 1। ये आपका एलसीएम हो गया। अब हमें क्या करना है, ए इज इक्वल टू, हमें इनके क्या बनाने हैं, पेयर्स बनाने हैं। ऐसे पेयर्स, ऐसे पेयर्स और ऐसे पेयर्स। अब हम इसके में इसके अंदर वैल्यू रखेंगे इसकी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ऐसे। एलसीएम निकाल के हम इस तरह से इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, क्योंकि एलसीएम निकाल इसकी ही तो वैल्यू है ये। फिर हम यहाँ पर पेयर्स बनाएंगे इस तरह से, ए इज इक्वल टू, तब हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी दोनों में से एक एक लेंगे। इस पेयर में से 1 ए 2 लिया हमने बाहर, इस वाले पेयर में से एक 3 लिया बाहर, और इस वाले पेयर में से एक 3 लिया बाहर। जब भी हम ये अंडर रूट हटाएंगे,
जब भी हम ये अंडर रूट हटाएंगे तभी हमें क्या करना है, पेयर्स बनाने और पेयर्स में से एक एक बाहर निकालना है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 2 3 6 6 3 18 18 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी साइड आ गई। नाउ अब हमें एक क्वेश्चन और दिया था, जैसे नाउ अब हमें क्वेश्चन दिया गया है द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। पैरामीटर स्क्वायर का पैरामीटर क्या है, 128 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, यानी हमें क्या निकालना है, साइड निकालनी है उस टाइल्स की, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इतना ही क्वेश्चन करेंगे जितना हमें यहाँ तक हमने पढ़ा है। हमें क्या दिया गया है, पैरामीटर दिया गया है, तो पैरामीटर इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर। नाउ पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर के, सबसे पहले हमने वो वैल्यू लिखी जो हमें दी गई है पैरामीटर। अब फॉर्मूला लिखेंगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है स्क्वायर के पैरामीटर का फॉर्मूला, इज इक्वल टू 4a। नाउ विद द वैल्यू ऑफ पैरामीटर 128 इज इक्वल टू 4a, 4 को 4 इनटू a भी हो सकता है साइड भी हो सकता है। नाउ जो चीजें जिसके हमें वैल्यू निकालनी होती है, यानी हमें एक ही वैल्यू निकालनी है, तो उसके आसपास जो भी वैल्यूज होंगी उनको हमें दूसरी साइड लेके जाना है। 128 ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड जाके क्या होगा, डिवाइड में। जब इसको अदर साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। नाउ a इज इक्वल टू 128 अपॉन 4, आप इसे डिवाइड करेंगे 4 3 12 एंड 4 2 8, यानी a इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें क्या करना है, इसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर टाइल, हमें एरिया भी फाइंड करना है। जब हमें साइड मिल गई है अब हमें एरिया फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड। नाउ साइड क्या, हमने अभी साइड निकाली वो क्या निकाली, 32 सेंटीमीटर। अब हम इसको 32 × 32 ऐसे लिखेंगे साइड इनटू साइड। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आप अपनी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे 32 इस तरह से करेंगे, मैं डायरेक्ट कर देती हूँ 124 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ये आपका इसमें डबल क्वेश्चन दिया गया है, पहले हमें क्या करना है पैरामीटर दिया गया है और हमें साइड निकालनी। जब हमारी साइड हमारे पास आ जाएगी तब हम क्या निकाल देंगे, इसका एरिया निकाल देंगे, ठीक है। थैंक यू।